वेलकम 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 शाहिना के किचन में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बोनलेस चिकन फ्राई बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है। ये तो सब रान ही है, ये सब रान है, तीन तीन छः पीस रान है और थोड़ा सा गोश्त, दो तीन पीस गोश्त है। यहाँ लहसुन लिया है हमने, लहसुन है, नींबू है, दही दही है, अंडा है, इसमें से कश्मीरी मिर्च सिर्फ लेना है, और ये गरम मसाला लेना है, और ये ब्रेड क्रम है जो इसमें लगा करके तलेंगे। अब हम इसको जा रहे हैं इसमें मसाला सबको मैश करने। दही मेरी घर की जमाई हुई है, इसका हमने मेथड दिया है लॉन्ग वीडियो में, आप ज़रूर से ज़रूर देखेंगे और कोशिश करेंगे इसी तरीके से हम दही जमाने की। बहुत अच्छी दही जमती है, एकदम मार्केट के तरीके से जमती है, उसमें कोई ही नहीं है। ये कलर के लिए हमने थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च देना है, इसमें बहुत कम मसाला पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, ये थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर लिए हैं, मैं नींबू एक आधी लिए हैं क्योंकि दही भी लिए हैं इसीलिए, लहसुन अदरक पेस्ट लिए, ये सब पड़ जाएगा। ये नमक आप अपने अंदाज से लेंगी, हम अपने अंदाज से ले रहे हैं। ये थोड़ा सा जीरा पाउडर है भुना भुका हुआ, अब इसको मैशर से मैश करते रहें, मैश कर पूरे गोश्त में लगा देंगे। मैं ग्लोव नहीं पहनती हूँ, आप ग्लोव पहन के काम कर सकते हैं, मुझे बहुत अंकुड़ा नशा लगता है, मुझे ठीक नहीं लगता, मैं नहीं पहनती, मेरा काम करने में नहीं बनता। आप ज़रूर से अपना ग्लोव पहन लेंगी। मैं इसका अपना नींबू वगैरह से हाथ धो लेते हैं, इसको सीधा सीधी अभी इसको चढ़ा देंगे गलने के लिए, ज़्यादा देर गलने के बाद बाकी ये फ्राई होगा। ये देखिए बहुत मज़ेदार क्या ये रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये टेस्टी नहीं बनता है। आधा घंटा तक ये कम से कम गलेगा, उसके बाद हम अंडा में फेंट करके, ब्रेड में फेंट कर लगा करके अंडा में इसको फ्राई, इसके बाद मैं डीप फ्राई करूँगी। अभी इसको कम से कम, बिस्मिल्लाह, कम से कम अभी ये आधा घंटा फ्राई गलेगा। ये हमने कड़वा तेल लिया है, आप चाहें तो जो भी तेल ले सकते हैं जिस चीज़ में आपको बनाना है। इसमें पानी एकदम नहीं पड़ेगा गोश्त में, क्योंकि ये गोश्त खुद पानी छोड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम हो चुका है, अब मैं इसमें सारे रानों को इसमें दे देंगे। इसी तरीके से ये सब गल जाएंगे, उसके बाद ये फ्राई होंगे। ये हमारा ये सूखने पर पानी आ रहा है, पानी हमने एकदम नहीं दिया है, मुर्गी नहीं पानी छोड़ दिया है, छोड़ ही देता है, इसलिए पानी नहीं दिया जाता है। अब इसके बाद इसको अंडा में लपेट करके, ब्रेड में लपेट करके डीप फ्राई तलेंगे। हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है, ये हमने दो अंडे को तोड़ कर रखा है, इसमें डालेंगे, इसको फेंटेंगे। ये थोड़ा सा नमक लेंगे, बस थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर लेंगे और इसमें कुछ नहीं पड़ेगा।
जब तक तेल गरम हो रहा है। यह बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार ये चिकन फ्राई बनती है, क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम। ये हमने एक ब्रेड को लगाया, ब्रेड क्रम में। ये हमारा घर का बनाया हुआ है, इसको फिर अंडे में लगाया, फिर इसको ब्रेड में लगाएंगे। अब फिर इसको अब डीप फ्राई कर लेंगे, तेल गरम नहीं हुआ है। ये देखिए तेल गरम हो चुका है, बिस्मिल्लाह बनाने में ये हम इसको डाल दें। ये बहुत अच्छा ये फ्राई हो रहा है, ये चिकन फ्राई है। ये बनता है, ये गलाया है, तल सकती हैं जिस चीज़ में आप जो तेल खाती हैं वही तेल आप तल सकती हैं। देखिए ये हमारा चिकन फ्राई तैयार हो चुका है। बताने में समझाने में जो भी गलती हुई होगी माफ करेंगे, नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, मैं बार बार कहती हूँ, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम।